वच्स गईज वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज योर होस्ट संदीप और ये वाला वीडियो है सेकेंड पॉडकास्ट ऑन दिस चैनल तो आज हम बात करने वाले है शार्क टैंग के ऊपर बहुत सारी हाइप बहुत सारा नॉलेज बहुत सारा मज़ा ऑन दिस टी वी सीरीज दैट केम आउट ऑन सोनी टी वी एंड एवरीबडी इज़ वॉचिंग इट लाइक शार्कटैंग कुड बी द न्यूएस्ट लाइक समथिंग दैट आई हैव एन रियली इमेजेंड और शार्कटैंग मैंने पहले देखा भी नहीं था और मुझे ये भी नहीं पता था कि यू एस में शार्कटैंग ऑलरेडी हो चुका है बट आई रियली लव द शो आई रियली लाइक इट द वे इट वॉज प्रेजेंटेड एंड आई रियली लाइक इट द वे इट इज़ राइट नाउ एंड सेकेंड सीजन भी आने वाला है तो ये भी सही वाली बात है लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्रांडिंग के ऊपर और कैसे हम ब्रांडिंग को सीख सकते हैं शार्क टैंक से या शार्क टैंक से मतलब मैं एक क्रिएटिव पर्सन हूँ मैं एक यू डिज़ाइनर ग्राफिक डिज़ाइनर और बेसिकली ग्राफिक क्रिएटिव कमेडी में आता हूँ तो जब मैं ग्राफिक डिज़ाइन और यू डिज़ाइनर के व्यू पॉइंट से शार्क टैंक को देख रहा था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता लगी कि ये एक्चुअल में होती है और ये काम करती है और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था ब्रांडिंग का और इसी बारे में ये पॉडकास्ट होने वाले है कि आप ब्रांडिंग कैसे सीख सकते हैं शार्क टैंक से आई नो साउंड रियली क्रीजी आई नो रियली आई डोंट आई डोंट नो हाउ हाउ इट इज साउंडिंग राइट नाउ टू यू विथ योर इस्पेक्टिव बट मेरे लिए तो भाई ये तो एक एग्जाम्पल ऑन पॉइंट था कि यार मुझे ब्रांडिंग के बारे में बहुत सही जानने को मिला इस वाले स्पेशली सीजन uh, से तो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट दिस थिंग इन दिस पॉडकास्ट तो हाई यार ये, ये सब मैं तेरा उतारता हूं अब तूने तो हाँ यार सुनना चाहते हो कुछ नया कुछ समथिंग जो आपने नहीं देखा या फिर नहीं सुना तो जुड़े रहे इस वाले वीडियो पे और बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो और लेट्स रोल द इंट्रो एंड स्टार्ट दिस तो ये वाली तो पॉडकास्ट था ऐसा मैंने बोला था और ये पॉडकास्ट ही है लेकिन ये वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे आ रहा है तो मैं इसको वीडियो बोल रहा हूं लेकिन मेरा इंटेंट तो यही था कि यह पॉडकास्ट है तो इस वाले मेरे वीडियो में मैंने जैसे कि बताया कि हम ब्रांडिंग के ऊपर बात करेंगे और शार्क टैंक अगर आपने नहीं देखा अब तक तो, तो यार देख के आओ क्योंकि कुछ सेंस नहीं बनेगा इस बात का लेकिन मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने शार्क टैंक देखा है तो शार्क टैंक में एक प्रोसीजर है बेसिक हर एक पीचर आता है एक बिजनेस आता है जो कि अपने कंपनी को या अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है एक स्टोरी बताता है कि उसके ब्रांड कैसे बना क्या कॉन्सेप्ट है उसके ब्रांड के पीछे या फिर प्रोडक्ट के पीछे तो ये वाला पार्ट होता है एक पिच के पिच के हिसाब से राइट तो एक पिक्चर है एक उसका प्रोडक्ट है और उसकी सेल्स है और शार्क्स हमारे प्यारे शार्कस उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ये वाला सब प्रोसेस होता है बेसिक वाला एक स्ट्रक्चरल बोल रहा हूँ मैं लेकिन इसी के बीच में हमें एक ब्रांडिंग वाला पा पार्ट देखने को मिलता है जब हम प्रोडक्ट को देखते हैं या फिर हम प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या और उसके बाद उसी में आ जाता है उसकी सेल्स पे आ जाता है तो सेल्स उनके प्रोडक्ट के लुक वाइज और उसके फंक्शनल वाइज कितनी आ रही है या फिर उनके साइड पे कितने लोग हैं या फिर उनको कितने सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे लोग तो ब्रांडिंग का पार्ट वहीं पर गई है तो अगर आप गौर से देखोगे तो शार्ट टाइम में जो भी पीजेज़ आई जो भी ब्रांड्स आए उनका एक यूनिक लुक था उनका एक यूनिक प्रेजेंटेशन था सबका या फिर उन्होंने सब कुछ यूनिक करने का ट्राई किया लाइक इवन इफ देयर आर ऑदर ब्रांड्स इन द सेम एरिया इन द सेम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सेलिंग देयर लाइक ऑलरेडी सेलिंग ऑन द मार्केट दे वर ट्राइंग टू बी डिफरेंट और अगर आप अगर आप डिफरेंट नहीं बनेंगे तो आपका तो मतलब शार्क तो निकाल ही देंगे भाई तो ये वाला पार्ट था तो ब्रांडिंग अगर आपको अच्छी करनी है तो आपको यूनिकनेस लानी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट में अपने फंक्शन में जितनी चाहे उतनी लेकिन यूनिकनेस होनी चाहिए क्योंकि वो मार्केट में डिफरेंट और स्टैंड आउट होना चाहिए इन अ पॉजिटिव वे तो वो शार्क ने तो आइडेंटिफाई अनेडि, कर लिया था तो मुझे एक सबसे लास्ट वाली मतलब जो हिट किया ना मुझे तो वो एक लास्ट वाली पिच थी जो कि पीयूष ने पीयूष बंसल जो कि लेंसकार्ड के सी है फाउंडर है तो उन्होंने मतलब पिच किया अपने ब्रांड को और उन्होंने अपना लोगो जो है ना वो दिखाया लाइक दस साल पुराना लाइक द फर्स्ट टाइम दे डेड द कंपनी दे स्टार्टेड द कंपनी एंड देवर डूइंग सेल्स लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम और उनके ब्रांड का कुछ लोगो कुछ इस तरह का था अगर आपने पिच देखी होगी तो आपको पता है लेकिन आप डिस्प्ले भी देख सकते हैं अभी

तो ये वाली क्लिप में उन्होंने बताया कि यार ऐसे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे इस, उनकी कंपनी को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता है करता था बैक इन टाइम पता है कि यार अमन अगर अगर आपका ब्रांड छोटा है आपको मतलब कुछ आइडिया नहीं है कि आपका ब्रांड कितना आगे जाएगा या फिर नहीं जाएगा या फिर आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी तो आप इतनी चाले नहीं करोगे मतलब कि ब्रांड का मतलब लोग वाई बना दो या फिर इन्वेस्ट कर दो बट कमिंग बैक टू द प्रेजेंट तो पीयूष ने खुद बोला कि कैसे उनको इन्वेस्टर्स मिल गए उनको ही पता है क्योंकि ऐसे तो कोई ब्रांड दिखता नहीं है तो बेसिकली इसमें अंडरस्टैंडिंग वाली बात तो यही है कि यार अगर आपका लोगो एकदम बेसिक है और आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो आपका लोगो या फिर आपका ब्रांड कुछ है ही नहीं मतलब इन्वेस्टेबल नहीं लगता एटलीस्ट इन्वेस्टर्स को क्योंकि एक कंपनी में एक कंपनी में इन्वेस्ट करना मतलब वो एक्चुअल ब्रांड में इन्वेस्ट करना जो कि उसका हाइप है उसका एक यू नो व्यू पॉइंट है उसका एक इमेज है तो और अगर वो इमेज ही प्रेजेंट नहीं होगा इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टर्स वाई वुड द इन्वेस्ट इंग टू यू तो ये वाला जो पिच था ये वाले पिच से मुझे पता चला कि यार ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है हमें लाइक ब्रांडिंग इज लाइक ऑन डैम इम्पोर्टेंट लाइक ये वाली मीम देख लो तुम तो या yeah, ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी ये बात मुझे उस लास्ट वाले पीस से पता चली कि यार फिर मैंने लाइक like, बहुत सारे एपिसोड बाद में भी देखे और पता चला कि यार ये वाला ब्रांड अच्छा है ये वाली ब्रांडिंग अच्छी है ये वाला एपिस, इनका वेबसाइट अच्छी है और मैंने बहुत बहुत सारे ब्रांड्स की ना यू नो एक्चुअल वेबसाइट भी सर्च uh, करके देखी कि यार वो ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं उनका ये डिफरेंस क्या है या फिर तो मैं कुछ ब्रांड की या फिर कुछ पिचेस का जो ब्रांड था उनको मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा जैसे कि मैंने फर्स्ट वाला किया लेंस कार्ट का कि हाउ दे वर एंड हाउ दे आर राइट नाउ सो ये कंपेयर वाली इमेज है तो अभी लेंस कार्ट एक प्रॉपर ब्रांड के साथ चल रहा है कि या लेंस या कार्ट लेंस कार्ट और उनका लोगो भी एडपिक करता है उनके ब्रांड और उनकी वेबसाइट भी एडपिक करती है तो ये वाली चीज़ें बहुत सारे ब्रांड मिस भी कर रहे हैं और कुछ ऐसी पिचेस भी थी लाइक ये वाली मोमो वाली जो पिच होगी अगर आपको आपने देखी होगी तो ये वाली जो पिच थी उनका लोगों कुछ ऐसा था और ये वाली बात तो अमन ने बोल भी थी मतलब एक शाख ने उनको बोल दिया कि यार आपका ब्रांडिंग बहुत सही नहीं है इसको सही करना पड़ेगा और इसकी मार्केटिंग भी सही करना पड़ेगा तो ये वाला जो वीडियो है ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट उन सबके लिए जो कि इन इन फील्ड में है लाइक मार्केटिंग में है यूएक्स डिज़ाइन में है ग्राफिक डिज़ाइन में है ब्रांड बिल्डिंग में है तो उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि यार एक ब्रांड को एक आइडेंटिफाई कैसे करना पड़ता है कि यार कौन सी चीज़ें देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ये वाला सही ब्रांड है और ये वाली चीज़ें उस ब्रांड में आती है तो यही मेरा एक विजन था और यही मेरा एक यू नो आइडिया थी मेरे इस पॉडकास्ट के पीछे कि यार आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस ऑन माई चैनल विथ यू गाइस तो ये वाली चीज़ें थी तो यहाँ पे मैं और कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि ये वाला जो आइसक्रीम वाला ब्रांड था तो इसका प्रोडक्ट देख लो इसकी वेबसाइट यहाँ पे है देख लो और इसका एक लोगो भी चेक कर लो तो ये सारी चीज़ें एक ऑल कंबाइंड एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही है लाइक कलर पैलेट भी ऑन पॉइंट है उनका उनकी वेबसाइट भी ऑन पॉइंट है और इसीलिए उस ब्रांड को मतलब शायद लोग खरीद भी रहे हैं क्योंकि ये प्रॉपर ब्रांड दिखता है अगर आपको इस इस वाले बॉक्स को आप किसी के सामने रख दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार एक, एक सही वाली कंपनी है जिससे ये प्रोडक्ट आया है और एक सही वाला प्रोडक्ट ही होगा क्योंकि इसकी बाकी सारी चीज़ें एकदम सही है ऑन पॉइंट है और अगर आप मार्केटिंग में से हो लेकिन से आप मार्केटिंग करते हो तो अगर आप कोई ब्रांड को मार्केटिंग कर रहे हो तो आपकी ये वाली चीज़ें जो है लाइक ब्रांड कलर लोगोज़ और वेबसाइट ये वाली चीज़ें पहले से ही सही होनी चाहिए इंक्लूडिंग दी सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह तो ये वाली सब चीज़ें आपको ऑलरेडी सी पहले से ही सही करनी पड़ेंगी तब आप अच्छी वाली मार्केटिंग कर सकते हो या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो तो ये वाली चीज़ें है भाई मतलब ब्रांडिंग के बारे में मुझे बहुत सारा पता चला तो मैंने ये वाली पॉइंट्स कुछ ऑब्जर्व किए थे और दो तीन ब्रांड है जो मुझे अभी रिकॉल हो रहे हैं कि यार उनके बारे में भी मेरा ये ये वाला व्यू था कि एक ब्रांड था नम्या करके जो इस वाली लड़की ने रिप्रेजेंट किया था तो ये लड़की ने कुछ यू नो टी ब्रांड बना था टू टी या फिर फूड ब्रांड बना था और उसकी भी पैकेजिंग ऑन पॉइंट थी मतलब सही वाली पैकेजिंग अगर आप देखोगे राइट नाउ ऑन द स्क्रीन दिस इज वॉट शी वॉज लाइक डूइंग एंड शी वॉज सेलिंग एंड इसको भी सही वाला रिस्पॉन्स मिला था ऑन दी वेबसाइट ऑन दी स्टोर्स लेट से ऐमेजन एन एवरी तो अगर ये प्रोडक्ट लेट से अमेजन पर जाएगा या फिर कोई भी सेलिंग साइट पर जाएगा तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि ये रिप्रजेंट करे एक्चुअली इस ब्रांड को और एक प्रॉपर ब्रांड दिखे तो ये वाला भी सही था उसका लोगों भी सही था तो ये वाली जब चीज़ें इसके बारे में भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि यार एक एक उसने प्रॉपर रिसर्च करी थी उसके ब्रांड के पीछे और तब वो उसको मार्केटिंग में लेके आई थी तब वो इन्वेस्टमेंट देख रही थी अगर आप हो एक स्टार्ट कर रहे हो से आप बिगनर हो मेरी तरह भी कुछ प्रोफेशनल नहीं हो मैं भी नहीं बोलता थ्रू शार्क टैंक ये वाली चीजें एक मतलब जिसका ऑलरेडी बिजनेस है वो क्या सोचता है ब्रांडिंग के बारे में और जिनका ब्रांड एक्चुअली बन रहा है वो भी वो कहाँ पे गलत हो रहे हैं तो ये वाली चीजें सब कुछ मुझे पता चली ये वाले शार्कटांग सीजन से और बहुत सारी चीजें और भी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा लेकिन ब्रांडिंग वॉज द बिगेस्ट पॉइंट दैट आई वॉन्टेड टू टॉक टू योज ओके तो और एक ब्रांड था टैग्स करके ये वाला एक स्नैक वाला कंपनी थी ये वाली ए वाली कुछ कंपनी थी तो इनका भी पैकेजिंग वगैरह सही थी ये वाले न्यू प्रोडक्ट थे ये वाले न्यू बंदे थे थोड़े तो इन्होंने पहले से ही सब कुछ सही कर लिया था कि यार हमारा प्रोडक्ट कैसे दिखना चाहिए कैसा फील होना चाहिए देख कर तो इनका भी प्रोडक्ट बिल्कुल सही था इनका भी नाम देखो टैग से तो बहुत छोटा वाला नाम है जैसे कि बोट नमन की जो कंपनी है अमन की सॉरी तो अमन वाली कंपनी का नाम भी बोट है तो बहुत सही है मतलब यार शुगर या फिर तो ये वाली ये वाली जो नेमिंग सिस्टम है जो कि शॉर्ट होती है ये भी सही है तो या इस वाले बंदे का भी बहुत अच्छा ब्रांड था और दो तीन ब्रांड है जो कि जो एक आई थिंक एक, एक कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड था ये वाला ब्रांड इनको दिखा रहा हूँ तो ये शिकंजी बनाते हैं तो इन्होंने अपनी पैकेजिंग ये सी वाली रखी थी तो ये वाली पैकेजिंग बहुत ओल्ड टाइप ओल्ड स्कूल टाइप पैकेजिंग थी मतलब रेट्रो लुक रखना चाहिए लेकिन आ, ब्रांडिंग में अगर आपको कुछ नया करना है कुछ आ, नए फ्लो के साथ अपने ब्रांड को पिच करना है या फिर प्रेजेंट करना है तो रेट्रो पैकेजिंग आई थिंक वुड नॉट सूट यू आ, अगर मैं बात करूंगा एक्चुअल प्रोडक्ट की तो पार्ले जी का एक पैकेट आता है तो पार्ले जी के पैकेट पे वही वाली ब्रांडिंग कभी से चल रही है मतलब वो सेम कलर सेम डिजाइन के साथ चल रहे हैं तो एक रेट्रो लुक उनका है तो या अगर आप वो करते हो वो भी सही है लेकिन ये वाले ब्रांड को कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला शार्क की तरफ से स्पेशली जस्ट बिकॉज द मार्केटिंग कैन नॉट डू समथिंग बिग जस्ट बिकॉज द प्रोडक्ट इज इस ओल्ड एंड आउट एंड नोट रेट्रो टाइप तो ये वाली चीजें थे और वो भी पिच में यही बोल रहे थे सबको मतलब शार्क भी यही बोल रही थी कि यार इस ब्रांड को अगर हम थोड़ा रीब्रांड कर दें या फिर उसको चेंज कर दे थोड़ा मार्केटिंग के लिए तो इट इज गोना गो मतलब फोड़ डालेंगे यार तो या ये वाली चीजें सब मैंने देखी और बहुत सारी पिचर्स है जो शार्क टाइम अगर आप फिर से देखो या फिर आप देख रहे हो तो आपको मैं बोलूँगा कि अर्ज मैं अर्ज करूँगा कि एक्चुअली आप ऑब्जर्व करो इन चीज़ों को जो सेल्स वो लो लोग बताते हैं पिक्चर्स वो तो सेल्स बनाते हैं तो उसमें बताते हैं कि वो वेबसाइट से भी सेल कर रहे हैं लाइक सिक्सटी परसेंट फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट तो क्यों वो सेल हो रही है क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग करी होगी उनके वेबसाइट की और तभी उन लोग मतलब लोग उनके वेबसाइट पर आए एंड दैट इज़ वन दे बॉडेट सो ये वाली चीज़ें मैं आपको इस छोटे वाले पॉडकास्ट में बताना चाहता था आई होप दिस वाली बड़बड़ बड़, कुछ वाले लोगों को एटलीस्ट uh, समझ में आई होगी मैंने मतलब मैं खुद के खुद को भी मैं तो खुद अपने ऑडियो को नहीं जज कर सकता लेकिन आई होप uh, ये आपको कुछ समझ में आया होगा कि ब्रांडिंग क्यों और कैसे और मतलब क्या एक ऑन पॉइंट लेवल बात है जो कि ब्रांड को ब्रांड बनाती है और उसमें कौन सी वाली चीज़ें आती है और ये वाली चीज़ें सबको ध्यान में रखनी पड़ेगी टू द यू एस डिज़ाइनर्स टू दी ग्राफिक डिज़ाइनर्स लेट्स ब्रांडिंग मार्केटिंग वाले सब लोगों जिनका ब्रांड बनाने का जिनकी कंपनी बनाने का जिनका स्टार्टअप करने का कोई प्लान भी है ना उनको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इवेंचुअली दे विल हैव टू इन्वेस्ट इन टू देअर ब्रांडिंग इन्वेस्ट इन टू अर ब्रांडिंग लोगो सब कुछ बनाना पड़ेगा भाई और ये तुम लोग ध्यान में रख लो कि ये ऑन पॉइंट होना चाहिए और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो या इसी नोट के साथ मैं ये वाले ऑडियो को ख़त्म करता हूँ ऑलरेडी फिफ्टीन मिनट हो चुके हैं और मे बी अराउंड फिफ्टीन मिनट हो चुके हैं इस वाले पॉडकास्ट को अगर आपको कोई भी बात मेरी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना इस वाले वीडियो को और वो सब्सक्राइब वाले बटन का कलर चेंज कर दो यार बहुत अच्छा होगा या आई विल टॉक टू यू इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट अगेन एंड एज ऑलवेज आई कैच यू गाइज नेक्स्ट टाइम